नमस्कार, मैं अभी आपका बिहारी न्यूज में स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। हाईघाट के जदयू विधायक ने थामा लालटेन का हाथ। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में फेरबदल की राजनीति लगातार जारी है। लगातार कई दलों से राजनेताओं का आना जाना भी लगा हुआ है। इसी क्रम में अब महागठबंधन एनडीए में सीटों को लेकर रस्साकसी का माहौल देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ एनडीए की लगातार बैठक चल रही है, वहीं अब तक सीटों का समीकरण नहीं बन पाया है। वहीं महागठबंधन सीटों को लेकर औपचारिक ऐलान तो कर दिया गया है, मगर मुकेश सहनी ने असंतुष्ट होकर पार्टी छोड़ दिया है, जिसके बाद उन्होंने बगावती तेवर अपना लिया है। राजद ने खुद के खाते में 144 सीटें रखकर मुकेश सहनी को इसी से सीट देने का ऐलान कर दिया था उनके समर्थकों में, जिसको लेकर गुस्सा भर गया था, जिसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला। वहीं देर शाम दरभंगा जिले के हायाघाट जदयू विधायक, जिनके बारे में लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, वो राजद में शामिल हो चुके हैं। बिहार में 4600 असिस्टेंट प्रोफेसर की निकाली गई रिक्तियां। बिहार में 4600 असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियां निकाली गई हैं। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने सुबह में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4600 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी का ऐलान किया है। आयोग इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए राज्य की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में विभिन्न विषयों में खाली पद भरेगी, और साथ ही संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पीजी डिग्री धारक और यूजीसी नेट क्वालिफाइड में वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा और योग्यता के लिए bsuse.bihar.gov.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं, साथ ही आवेदन भी भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 23 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो 2 नवंबर 2020 तक जारी रहेगी। इन पदों पर योग्य उम्मीदवार का चयन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की ड्यूटी के लिए पहुंचने लगे सीआरपीएफ के जवान। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती लगातार जारी है, जिससे मतदान सुरक्षित और निष्पक्ष संपन्न करवाया जा सकेगा। इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से बिहार में अर्धसैनिक बलों को भेजा जाने लगा है। चुनावी प्रक्रिया की रफ्तार पकड़ने लगी है, इसी निर्धारित स्थान पर तैनाती की जाएगी। इसी क्रम में शनिवार की सुबह दिल्ली से आने वाले संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाकर सीआरपीएफ जवानों को लाया गया है। सुबह सुबह पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर जवानों की भीड़ देखने को मिली। बाद में जिला प्रशासन की ओर से उनके लिए स्पेशल बस और अन्य गाड़ियों की व्यवस्था के पटना जंक्शन भेजा गया। दिल्ली में आने वाले जवानों में अधिकतर महिलाएं शामिल है। इनमें ऐसी कई महिलाएं अपनी नियुक्ति के बाद बिहार में चुनाव कराने पहुंची है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। महागठबंधन में वीआईपी को सीट नहीं दिए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मल्लाह समाज को अपमानित करने के लिए तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लालू दलित को अपमानित करते हैं, तेजस्वी पिछड़ों को अपमानित करते हैं। हम की रविवार को होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक को लेकर हालांकि सुबह से संशय की स्थिति भी देखने को मिली। एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं होने के कारण यह बैठक टलती नजर आ रही थी। हालांकि बोर्ड की बैठक से पहले अपनी दावेदारी करने वाले पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर गणेश प्रक्रिया लगाते रहे। प्रेमिका को घुमाने के लिए होंडा सिटी कार चुराने के चक्कर में पहुंचे हिरासत के पीछे। प्यार में अक्सर लोग अंधे हो जाते हैं और प्यार में सब कुछ जायज भी मानते हैं। इस कहावत पर यकीन कर गर्लफ्रेंड के लिए कार चोरी करने वाले आशिक को हिरासत में ले लिया गया है, जो कानपुर थाने के पुलिस ने शनिवार को पंकज कुमार नामक व्यक्ति को ब्रिगहपुर से पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। गाड़ी चुराने वाला व्यक्ति भोजपुर जिले के आरा बेलापुर का निवासी है। वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी में काम करता है, उसकी महिला मित्र भी उसके साथ काम करती है। पंकज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आरा से पटना आता था। महिला मित्र का शौक पूरा करने के लिए और उसको घुमाने के लिए उसने होंडा सिटी लग्जरी कार चुराई थी। पूछताछ के दौरान पंकज ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए उसने बिहार सरकार के परिवहन विभाग कनिष्ठ लिपिक का फर्जी नंबर प्लेट पर लगा रखा था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने वालों की लगी भीड़। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वर्तमान समय में झारखंड के रिंग्स अस्पताल में अकेली बंगला यानी कि डायरेक्टर बंगला में रह रहे हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद राजद कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी है, जिससे यह इलाका भरा भरा दिखने लगा है। वैसे तो मैनुअल के हिसाब से लालू यादव से मुलाकात का दिन शनिवार का होता है और 3 व्यक्ति ही मुलाकात कर पाते हैं। ऐसे में शनिवार को लालू प्रसाद यादव से इरफान खान नामक व्यक्ति ने मुलाकात की। जेल अधीक्षक से परमिशन के बाद जमशेदपुर में मिलने आए इरफान खान ने लालू यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उस व्यक्ति को काम के बारे में बातचीत की गई। इसके साथ ही कई राजनीतिक बात नहीं हुई है। वहीं उन्होंने यह भी साफ किया है कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लालू जी का स्वास्थ्य अच्छा है। बिहार में चुनावी मैदान में 27 पूर्व प्रत्याशियों के उतारने पर लगाई गई रोक। बिहार विधानसभा आम चुनाव में बिहार के 27 प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशियों के चुनावी मैदान में उतरने पर 3 साल के लिए रोक लगा दी गई है। इन सभी प्रत्याशियों की समय सीमा 2021 और 2022 तक के लिए नियत कर दी गई है। इन प्रत्याशियों पर चुनाव के बाद चुनाव आयोग को और चुनाव खर्च का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण यह कदम उठाया गया है। आम चुनाव में जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं, उन्हें चुनाव के बाद चुनाव में किए गए खर्च का ब्यौरा देना जरूरी है। इन प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। आयोग ने सूत्रों ने बताया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति चुनाव परिणाम आने के 30 दिनों के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देता है या ब्यौरा नहीं देने या फिर कोई स्पष्ट कारण नहीं बताता है, तो चुनाव आयोग उसके अगले 3 साल तक चुनावी मैदान में उतरने पर रोक लगा सकती है।
एम्स की जांच रिपोर्ट पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने किया ट्वीट। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स के फॉरेंसिक टीम की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि जिन हालातों में सुशांत सिंह राजपूत की जान गई है, उसे सुशांत की जान खुद से लेने की तरफ ज्यादा संकेत कर रही है। जिसके बाद इस रिपोर्ट के आने से उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट करके अपना रिएक्शन दिया है। श्वेता सिंह ने ट्वीट में भाई सुशांत की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा है, हम जीतेंगे। महज इन दो शब्दों में श्वेता ने यह साबित कर दिया है कि सुशांत के लिए न्याय दिलाने की अभी वो मुहिम जारी रखने वाली है और उन्हें न्याय व्यवस्था पर विश्वास है। लेकिन बाकी एम्स की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट को लेकर कुछ नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। एम्स की रिपोर्ट में सुशांत की जान लेने की बात को खारिज कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीमावर्ती 38 सीटों पर पूरी ताकत झोंकेगी यूपी सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी बिहार सीमा से लगे बिहार के 38 विधानसभा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के यूपीएसआई अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। पार्टी की युवा इकाई ने इसके लिए बकायदा प्रदेश से लेकर जिला स्तरीय अपने पदाधिकारियों की टीम का गठन भी कर दिया है। साथ ही जिन पार्टी कार्यकर्ताओं का उस पर से प्रभाव है, उसे भी कम करने की कोशिश की जा रही है। उनसे भी कहा गया है कि अभी से सक्रिय रूप से एनडीए के पक्ष में रहे, जिसके तहत पार्टी के प्रदेश इकाई की कोर कमेटी एवं कार्यकारिणी सदस्यों की सीमावर्ती सभी सीटों पर जातीय समीकरणों एवं राजनीतिक हालात का पूर्वावलोकन करने के लिए लगा दिया गया है। यह भी कहा गया है कि हर सीट पर वहां के स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बनाकर अगर उस सीट पर पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा तो उसके पक्ष में, या फिर आगे वो सीट एनडीए के किसी सहयोगी दल को दिया गया तो उस दल के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने को कहा गया है। राजद ने श्याम रजक का नोटिस लिए बिना फुलवारी शरीफ सीट को दिया मालिक के हाथ। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जदयू से पाला बदलकर राजद में शामिल होने वाले श्याम रजक कहीं के नहीं रहे। राजद ने नोटिस लिए बगैर श्याम रजक की फुलवारी शरीफ की सीट को मालिक के खाते में दे दिया है। हालांकि राजद सत्ता में आई तो उन्हें एमएलसी बनाने की बात कह चुकी है। वहीं श्याम रजक ही नहीं, राजद ने अपना आधा दर्जन विधायकों को गठबंधन के लिए कुर्बान कर दिया है। पिछले 25 साल में फुलवारी शरीफ विधानसभा सीट पर श्याम रजक विधायक बने रहे राजद की तरफ से, और फिर बाद में जदयू की तरफ से। इस बार चुनाव से ठीक पहले जदयू के विधायकी से इस्तीफा देकर राजद में शामिल हो गए थे। इससे पहले नीतीश ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया था। श्याम बड़ी हसरतों के साथ राजद में आए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें अपनी 25 साल की सिटिंग सीट से बेदखल कर दिया। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे स्वाति शर्मा की। स्वाति शर्मा एक भारतीय संगीतकार है। इन्होंने बन्नो तेरा स्वैगर गाना तेनू विच मनु रिटर्न के लिए गाया था, जिसने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। इतना ही नहीं, बॉलीवुड फिल्म में वो एक मशहूर संगीतकार भी है। साल 2017 में वो पहली भारतीय सिंगर बनी थी जिन्होंने आईफिल टावर पर गाना गाया था। आईफिल टावर पर गाना गाने वाली स्वाति शर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1994 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। वो एक प्लेबैक सिंगर है और गिटार भी बजाती है। साल 2014 में वो लगातार बॉलीवुड में सक्रिय है। आपको बता दें, बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्वाति को कई लोग सुनिधि चौहान की कॉपी भी कहते हैं। गूगल मार्च 2021 तक मुफ्त वीडियो कॉलिंग की देगा सुविधा। गूगल मुफ्त असीमित वीडियो कॉलिंग की वैधता मार्च 2021 तक बढ़ा चुका है। उपभोक्ता अगले साल मार्च तक गूगल मीट ऐप के माध्यम से 24 घंटे के दौरान असीमित वीडियो कॉलिंग का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत उपभोक्ताओं को जीमेल अकाउंट होना जरूरी होगा। इसके अलावा गूगल द्वारा गूगल मीट ऐप के जरिए 30 सितंबर तक मुफ्त अनलिमिटेड वीडियो कॉलिंग की सुविधा दी गई थी। हालांकि 30 सितंबर की समय सीमा गूगल द्वारा मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। गूगल मीट पर एक बार में 100 से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। कंपनी की तरफ से कोविड-19 के दौरान गूगल मीट से वीडियो कॉलिंग को गूगल मीट से मुफ्त कर दिया गया है। इसके साथ ही सुविधा के लिए गूगल मीटिंग में नई सुविधाएं जोड़ी गई है। गूगल मीट ने इसी महीने एक नई सुविधा भी जोड़ी है, जिसमें उपभोक्ता गूगल मीट ऐप पर 49 व्यक्तियों को एक साथ ऑटो टाइल वाले लेआउट विकल्प में देख सकेंगे। चिराग पासवान ने पिता रामविलास पासवान को लेकर किया इमोशनल ट्वीट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पिता के स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल के चक्कर काट रहे। दरअसल देर शाम लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक का आयोजन करवाया गया था, लेकिन चिराग पासवान उसमें शामिल नहीं हुए थे। कल देर शाम को पिता रामविलास पासवान की तबीयत भी खराब हो गई थी। रामविलास पासवान के दिल का ऑपरेशन भी था, जिसके कारण अचानक चिराग को अस्पताल जाना पड़ा। यही वजह है कि चिराग बिहार में नहीं आ पाए थे और पिता के कारण उन्हें दिल्ली में ही रहना पड़ा है। इसको लेकर चिराग पासवान ने एक भावुक ट्वीट कर लिखा है कि कल शाम अचानक हुई परिस्थितियों की वजह से देर रात उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। जरूरत पड़ने पर संभवत कुछ हफ्तों बाद एक और ऑपरेशन करना पड़ सकता है। परेशानी की इस घड़ी में मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 65 लाख के पार। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 75,829 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 65,49,373 पर पहुंच गई है।
वहीं बीते 24 घंटे में 82,260 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद कुल मिलाकर 55,09,966 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 940 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 101,782 पर पहुंच गई है। वहीं कुल मिलाकर 937,625 सक्रिय मामले हैं। रिकवरी दर की बात करें तो यह मामूली बढ़त के साथ 84.12% पर पहुंच गई है। पॉजिटिविटी रेट 6.63 पर पहुंच गई है। वहीं 3 अक्टूबर को 11,42,131 सैंपल की जांच की जा चुकी है। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज आमने सामने होगी हैदराबाद और मुंबई की टीम। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ आज इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले में मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। सनराइजर हैदराबाद की मुश्किलें बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के चोटिल होने के बाद यह परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है, जिनका आगामी मुकाबले में खेलना संदिग्ध माना जा रहा है। और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शुक्रवार को 19वें ओवर में गेंद फेंकने के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव की परेशानी के कारण प्रभावित हो गए थे, जिसके बाद वो मैदान से बाहर चले गए थे। तालिका में शीर्ष पर चल रही मुंबई इंडियंस की कोशिश इस अनुभवी गेंदबाज की गैर मौजूदगी में शारजाह के छोटे मैदान पर अधिक बड़े शॉट खेलने की होगी। शारजाह के मैदान की सीमा रेखा दुबई और आबूधाबी की तुलना में छोटी है। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने 4 मैच में 170 रन बनाए हैं और वो शानदार लय में चल रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एनडीए सीट बंटवारे के मसले को सुलझा पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।